एडिक्शन टू सर्वर लॉस। सो गाइस काफ़ी सारे बंदों को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से आपको गेम खेलने नहीं मिल रहा। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट। सो गाइस ये मेनली प्रॉब्लम आ रही है जियो यूजर्स के लिए और वीआई यूजर्स के लिए। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं वही बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे दे। सो गाइस आपको सिंपली आ जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे सिम वन, अगर आप जिस सिम से मोबाइल दो सिम रहेंगे और जिससे मोबाइल खेल रहे हो गेम, वही सिम के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको सिंपली एक्सिस पॉइंट नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वोडाफोन कनेक्ट दिख रहा है, अगर आपका जियो रहेगा तो जियो दिखेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो एपीएन कंट्रोल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एपीएम प्रोटोकॉल जो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मिल रहा है, तो उसको आपको IVP4/IVP6 पे सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे वीडियो में रखा है। और उसको सेट करने के बाद यहाँ पे एपीएन रोमिंग उसको भी सेम कर देना है वैसे ही। और यहाँ पे गाइज आपको सिंपली क्या करना है, डिफ़ॉल्ट SUPL मतलब कि जहाँ पे लिखा था वो सेम। और उसके बाद गाइज आपको सिंपली ये सेटिंग को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको गेम ओपन कर देना है। और गाइज यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि आपका गेम ओपन हो जाएगा। सो गाइज अगर वीडियो आपको काम की लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ कमेंट कर देना। और गाइज जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।